मेरा मेन मोटिव है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है जो हम एटीएम के लिए यूज़ कर सकें। एटीएम में यूज कहाँ पे होगा, जहाँ भी हम डोर लगाते हैं, एटीएम का डोर होता है, जहाँ हमारा कैश स्टोर होता है। अगर कोई कोई चाहे कि हम कैश डोर को तोड़ के कैश को हम चोरी करके ले जाएं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने यूज़ क्या किया है, वर्क कैसे करेगा, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेंसर यूज किया है, ये है हमारा रीड स्विच, कई जगहों पे इसको नो स्विच के बारे में बोला जाता है। ये एक मैग्नेटिक स्विच होता है जो हमारे डोर में लगा होता है। एक हमारा ये हिस्सा जो है ये डोर के फ्रेम पे लगा होगा, दूसरा हिस्सा जो यहाँ पे लगा हुआ है ये मेरे डोर पे लगा होगा। जैसे ही डोर को ब्रेक किया जाएगा ये दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे, आपस में अलग हो जाएंगे। जैसे अलग होंगे ये हमारा सिस्टम एक अलार्म जनरेट कर देगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी कोई अलार्म नहीं बज रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हटा दूँ यहाँ सामने से, तुरंत क्या होगा, ये एक अलार्म बजने लगेगा, जिससे हमें जो भी वहाँ सिक्योरिटी पर्सन होगा या कोई भी जिनको ये अलार्म सुनाई देगा, उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है या हमारे एटीएम को ब्रेक किया गया है। फिर से अगर इसके सामने हम इसको लेते आते हैं, देन हमारा क्या होगा, ये पर्सन सिस्टम फिर से बंद हो जाएगा और हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। इसका पार्ट क्या क्या यूज किया गया है, सबसे पहला पार्ट इसमें जो सेंसर लगा रखा हमने इसको यहाँ पे, जिसको हमने नो स्विच बोल रहे हैं या रीड स्विच बोलते हैं, सेंसर के फार्म में लगाया है। दूसरा हमारा एक स्पीकर लगा रखे हैं हमने। यहाँ पे एक सेक्शन हमने पावर सप्लाई का बनाया है। पावर सप्लाई क्या है, हमने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है। आप चाहें तो यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, एसी सप्लाई इनपुट में दे सकते हैं, क्योंकि मैं ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है, कैपेसिटर लगाया है 7809, 9 वोल्ट चाहिए था मुझे, 09 लगाया है। एलईडी एज ए पावर इंडिकेटर लगा रखा है। दूसरा हमने यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है जो स्विच के फॉर्म में काम कर रहा है। ये सेंसर लगा रहा है UM3561 जो हमें सिग्नल जनरेट कर रहा है, यानी जो हमें साउंड सुन रहे हैं उसको यही जनरेट कर, पुलिस सायरन को ये जनरेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक डायोड लगा रखा है 3.9 का, जैसे यहाँ पे सिग्नल ब्रेक करेंगे तो ये इसको सिग्नल दे रहा है, जिससे हम इसको सुन पा रहे हैं। ये हम सारे कंपोनेंट यूज करके हमने इसको बनाया। ये प्रोजेक्ट आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.labsguru.com से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इतनी इसके साथ साथ आपको एक टेस्टिंग का वीडियो दिया जाएगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, आपको इसके सारे पीसीबी लेआउट दिया जाएगा, सर्किट डायग्राम दिया जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे खुद ही आप सारे प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। हमारी साइट पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे कैसे। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको इस प्रोजेक्ट के यूज सारे कंपोनेंट को हम आपको अलग से दिखाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट किस किस पार्ट में आपको यूज़ होंगे। सबसे मेन पार्ट इसका है, वो है इसका पीसीबी बोर्ड जो आपको दिखा रहे हैं। ये इसका पीसीबी बोर्ड है, ये इसका कॉपर लेयर होता है और ये होता है कंपोनेंट लेयर, जिधर से आप कंपोनेंट इस बोर्ड पे माउंट करेंगे, जो इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो पार्ट है ये है इसका पीसीबी पार्ट। नेक्स्ट सेक्शन आप देखिए, यहाँ पे एक ये कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं पावर जैक, जहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं इसको, पावर जैक वहाँ पे बोर्ड पे पीसी में 3 पिन होते हैं इसमें, इसको हम इसी तरह इस पे माउंट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन होता है पावर स्विच, जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं, जैसे हमारा सिस्टम ऑन ऑफ होगा, ये हमारा पावर स्विच, ये हमारा आईसी बेस है जिस पे हम आईसी को माउंट करेंगे। बेसिकली हम बोर्ड के ऊपर आईसी बेस को ही सोल्ड करते हैं। अगर हम कई बार होता है क्या कि अगर हम कंपोनेंट को सोल्ड करने की कोशिश करते हैं, देन होता क्या है कि हम ओवर हीटिंग कर जाते हैं, कंपोनेंट का कोई फिन ज़्यादा हीट हो जाता है सोल्ड करते समय, तो हमारा कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमने आईसी बेस सोल्ड कर दिया और इसके ऊपर मैं कंपोनेंट लगा दूंगा। अगर कई बार होता है क्या है कि हमारे कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं, अगर मैंने डायरेक्टली सोल्ड कर दिया है कंपोनेंट को, मुझे डी सोल्ड करना पड़ेगा। और आईसी बेस में क्या होता है, आईसी बेस सोल्ड है, कंपोनेंट हटा दिया उसके ऊपर से, हमारा कंपोनेंट चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे लगा हुआ, हम चाहें तो इस कंपोनेंट को हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने सिर्फ नीचे बेस सोल्ड किया, कंपोनेंट को हम रिमूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिटेचेबल कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को हम डिटैच कर सकते हैं, जैसे मेरा ये आईसी है, इस आईसी का नंबर है UM3561। आप इसके डाटा शीट को देखेंगे, सारे पिन का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया होता है इसमें, कि कौन सा पिन क्या काम कर रहा होता है। जैसे पिन नंबर हम काउंट करना चाहें, अगर देखिए यहाँ पे इसका नॉच बना होगा, इसमें यहाँ पे नॉच बना है, नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है। पिन नंबर आपको यहाँ से पता चल जाते हैं। जैसे हम इसका बात करें, अगर हमने क्या क्या पिन इसमें यूज किया है, इसमें यूज किया है हमने पिन नंबर 2, जिसको मैंने ग्राउंड किया है, पिन नंबर 5, जिसको मैंने पावर सप्लाई दिया है, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8, जहाँ मैंने ऑसिलेटर बनाया है, एक रेजिस्टेंस लगा, दो रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगा रखे हैं, पिन नंबर 3, पिन नंबर 3 से मैंने आउटपुट लिया है।
जो मेरा स्पीकर से जाके कनेक्ट हो गया है। ये इस आईसी का काम है जो पुलिस सायरन प्रोवाइड कर रहा, पुलिस का सायरन दे रहा है प्रोवाइड जो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ये एलईडी यूज़ करते समय भी एक बात का ध्यान रखते हैं, लाइट इमिटेड डायोड होता है ये, एक लाइट इंडिकेटर के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। इसमें यह ध्यान रखते हैं एलईडी भी एक डायोड होता है, डायोड में आपको पोलैरिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें भी आप ध्यान देंगे, अगर देखें दो पिन को बारे यहाँ पे ध्यान से, तो एक पिन यहाँ पे बड़ा है और एक पिन क्या है छोटा है। हमेशा नॉर्मली बड़ा पिन क्या होता है पॉजिटिव और छोटा पिन क्या होता है नेगेटिव। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आप कहीं वाइवा दे रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, वहाँ पर अगर किसी बड़े पिन को काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, छोटा पिन पॉजिटिव, छोटा पिन आपका नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बड़ा पिन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक काम और करते हैं ध्यान देने का इसमें, कि जब आप इस कंपोनेंट को टच करेंगे तो इसका जो राउंड सर्किल आपको मिलेगा ये नीचे बिल्कुल बॉटम पे आपको एक सर्किल मिल जाएगा राउंड सर्किल, इसमें एक साइड जो होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट साइड हमेशा निगेटिव होता है। हम इसको जांच करने सबसे सिंपल तरीका है कि फ्लैट साइड हमारा क्या होता है निगेटिव। देखिए अब जब इसको टच करेंगे बिल्कुल बॉटम पे इसको देखेंगे तो एक राउंड सर्किल मिलेगा बॉटम पे, तो जो फ्लैट साइड आपको इसका मिलेगा वो क्या मिलेगा निगेटिव। नेक्स्ट ये है रेजिस्टेंस, वो कई सारे रेजिस्टेंस लगे हैं। रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती, कई बार बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं सर रेजिस्टेंस की पोलैरिटी कौन सी है, रेजिस्टेंस में हमारी कोई पोलैरिटी नहीं होती है। हमने इस कंपोनेंट में लगाया है ब्रिज रेक्टिफायर, जो आप चार डायोड से बना करके 1N4007 डायोड यूज़ करके आप चार डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बनाते थे, यहाँ पे वही चार डायोड को बना करके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। आप इसमें देखेंगे इसमें पोलैरिटी होती है, अगर आप देख सकें, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा पॉजिटिव, नीचे निगेटिव और दोनों साइड पे एसी सिग्नल, यानी ये दो पिन आपके इनपुट के होंगे, पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव सप्लाई देगा, निगेटिव आउटपुट निगेटिव सप्लाई देगा। आप इसको इसी तरीके से लगाएंगे जैसे अगर आप बोर्ड पे देख सकें, जहां बोर्ड पे हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं आप लोगों को, हम जूम कर रहे हैं उस सेक्शन को, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव सिम्बल आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉजिटिव सिंबल है जहां मैंने इस आईसी के पिन नंबर 1 पे या इस कैपेसिटर के दूसरे पिन पे पॉजिटिव पिन पे मैंने इसको इनपुट दिया है। दो इनपुट यहां पे दिए गए होंगे जहां पे एसी सिंगल बना हुआ है, सिग्नल बना हुआ है, और इसका निगेटिव इस आईसी के निगेटिव से जुड़ा है, या कह सकते हैं कि जो यहां पे सिंबल आपको निगेटिव का दिखेगा इस कैपेसिटर पे उसका इसका निगेटिव जाके जुड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें यूज किया है एक जेनर डायोड यूज किया है, 3.9 वोल्ट का जेनर डायोड है। जब मैं यहाँ से सप्लाई को हटाऊंगा रिमूव करूंगा देन हमें एक 3.9 वोल्ट का जेनर डायोड यहाँ पे स्विच करके सिग्नल जनरेट कर देगा। अगर पहले इसको सप्लाई 9 वोल्ट का मिल रहा होगा, जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा यहाँ से, जब इसको मैं रिमूव करता हूँ उस समय यहाँ पे सिग्नल 3.9 वोल्ट का इसको जाने जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एक ट्रांजिस्टर हमारे पास है, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। वोल्टेज रेगुलेटर क्या काम करता है, बेसिकली ये 9 वोल्ट से, इसका नंबर है 7809, ये 9 वोल्ट कॉन्स्टेंटली आउटपुट जनरेट करता है, 7809 कॉन्स्टेंटली 9 वोल्ट क्या करता है ये जनरेट करता है। जैसे हम इसमें पिन नंबर कैसे पहचानेंगे, कोई भी ट्रांजिस्टर इस तरह का अगर आपको दिखता है उसका पिन नंबर जानने के लिए जिस पे कुछ नंबर लिखा होता है हम इसको फेस कहते हैं, इसके फेस को अपनी तरफ करते हैं, मेरी तरफ फेस आ गया, यानी मेरी तरफ फेस जो हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, यानी इस आईसी की अगर बात करें तो ये फेस मेरी तरफ है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, ये पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 एंड ये हमारा पिन नंबर 3, 1 2 3। पिन नंबर 1 और 2 हमारा क्या होता है इनपुट, पिन नंबर 1 हमारा इनपुट होता है, 2 नंबर पिन हमारा ग्राउंड होता है, पिन नंबर 3 हमारा क्या होता है आउटपुट होता है, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास एक ये कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का मतलब वो कैपेसिटेंस जिसकी पोलैरिटी हमारी है, जिसमें पोलैरिटी होनी चाहिए, इस कैपेसिटेंस में पोलैरिटी होती है। इसको हम कैसे पता करें कौन सा पिन पॉजिटिव है कौन सा पिन निगेटिव है, इसमें भी आप देख सकते हैं दो पिन आपको दिख रहे हैं, एक पिन इसका छोटा है और एक पिन क्या है बड़ा है, बड़ा पिन यहाँ भी पॉजिटिव छोटा पिन क्या होगा निगेटिव। लेकिन फिर यहाँ भी कह सकते हैं वही चीज़ अगर हमने इसको काट दिया तब क्या होगा, तो हमेशा एक कैपेसिटर के ऊपर आप देख रहे हैं ब्लू कलर का पूरा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक लाइट ब्लू कलर का एक स्ट्रिप लग रहा है दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे माइनस साइन सिंबल बना भी होता है या लाइट ब्लू स्ट्रिप कोई सिंबल अगर नहीं भी दिखता है तब भी जो स्ट्रिप पड़ा है ये पिन आपका निगेटिव है। आप हमेशा यूज करेंगे जितने भी आपको पोलैरिटी और कैपेसिटर मिलते हैं जो इनको इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर बोलते हैं, वहाँ पे आपको एक सिंबल मिल जाएगा।
मैंने सारे तरह के कंपोनेंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं दिखाता हूँ माउंटिंग कैसे करते हैं कंपोनेंट का। जैसे मैंने ये बोर्ड लिया, इस पे मैंने ये आईसी लिया जो हमारा पावर जैक है, मैंने माउंट कर दिया। नेक्स्ट मैंने इसको माउंट कर दिया। जैसा मैंने लेआउट देख सकता हूँ मैं, जो आपको बाद में दिया जाएगा, आपके सर्किट के साथ लेआउट मिलता है, उसमें देख के आप लगा सकते हैं। इसको लगा दिया मैंने। नेक्स्ट आपको ब्रिज रेक्टिफायर लगाना है, तो इसमें ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव पिन कौन सा है। हमें दिख रहा पॉजिटिव पिन यहाँ पे, और ये मेरे पिन नंबर 1 की तरफ जाना चाहिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया। देन ये कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट मैंने इस तरीके से माउंट कर, माउंट करते समय ध्यान रखें सारा कंपोनेंट बिल्कुल बोर्ड पे चिपका हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोर्ड पे चिपका नहीं, बोर्ड से ऊपर उठा है या ऐसे कोई कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप कैपेसिटर लगा रहे हैं, कैपेसिटर लगाते समय ध्यान रखें पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी का। हमने कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया, अब इसका ध्यान रखेंगे, ये ऐसा नहीं कैपेसिटर हवा में लटक रहा है, ये अच्छा कंपोनेंट लगाने का तरीका नहीं है। हवा में नहीं लटकना चाहिए कंपोनेंट, बिल्कुल बोर्ड पे क्या होना चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए। सोल्डरिंग करते समय एक बात का ध्यान रखते हैं हम लोग कि सबसे पहले वो कंपोनेंट सोल्ड करते हैं जो बोर्ड से सबसे पास है, यानी कि रेजिस्टेंस को हम सबसे पहले सोल्ड करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जो हमारी सोल्डरिंग का वीडियो आपको मिलेगा उसमें ये सारी बातें दिखाई जाती हैं। हमने पूरा बोर्ड सोल्ड करके रखा हुआ है एक सेट, आप देख सकते हैं हमने सारे कंपोनेंट को सोल्डरिंग किया, कोशिश किया है कि आपकी तरह ही सोल्डरिंग जैसे बच्चे करते हैं उस तरीके से मैंने सोल्डरिंग कराई, बच्चों से ही सोल्ड करा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सोल्डरिंग किया गया है, ये सारे कंपोनेंट पीछे हमारे सोल्ड कर दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हमारा होता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग में हम दो तरीके हम ध्यान रखते हैं, दो बातों का हम बहुत ध्यान रखते हैं कि जितने भी कंपोनेंट हमारे सोल्ड हुए हैं वो बिल्कुल प्रॉपर सोल्ड हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सोल्डरिंग हम आपको बताएंगे भी, जितने भी कंपोनेंट सोल्ड हों एक हिल बनना चाहिए वहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई जा रहा है, इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, एक हिल बन रहा है हर जगह सोल्डरिंग पॉइंट पे, ये बनना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको बहुत पास में ले आके दिखाना चाह रहा हूँ, देख सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के पिन को, जैसे यहाँ पे आपने देख लिया एक हिल बनना चाहिए। अच्छा, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सोल्डरिंग। टेस्टिंग में क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो हम सारे ट्रैक को मैन्युअली चेक कर लेंगे, ठीक है, कि सारे ट्रैक कंटिन्यूअस, जहाँ जहाँ जो ट्रैक हमारे बने हैं वो ट्रैक ऑलरेडी जुड़े हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं बीच में कोई ट्रैक टूट गया, जैसे यहाँ ट्रैक कोई टूटा तो नहीं है, हम इसको चेक कर लेंगे। एक तो मैनुअल चेकिंग हो जाती है, देन इसकी चेकिंग हम मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट बोलते हैं उसमें। एक बार यहाँ पे हम मल्टीमीटर लेते हैं, मल्टीमीटर का जो पिन नॉच होता है उसको बजर पे लगाते हैं, मल्टीमीटर का एक प्रॉब हम यहाँ पे लगाते हैं। और मान लीजिए इस ट्रैक को मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये ट्रैक यहाँ से यहाँ तक गया है, तो एक प्रॉब यहाँ पे और दूसरा प्रॉब कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। अगर बीप बज रहा है इसका मतलब ये ट्रैक क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर बीप नहीं बज रहा मतलब क्या है, ट्रैक कहीं से डिसकनेक्ट है, हम इसको चेक जरूर करते हैं। नेक्स्ट स्टेज पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पावर सप्लाई लगाते हैं। पावर सप्लाई लगाने के बाद सारे आईसी रिमूव कर रखे होते हैं, हमने कोई आईसी नहीं लगाया है, हम हर उस पॉइंट पे चेक करते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पावर सप्लाई लगाएंगे, बैटरी आपने लगाया, तो आप हर पॉइंट पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ सप्लाई लगा दिया, सप्लाई लगाने पिन नंबर 1 पे वोल्टेज क्या है, पिन नंबर 2 पे क्या है, पिन नंबर 3 पे क्या है, या पिन नंबर 4 पे क्या है, मतलब इस यहाँ पे पिन नंबर 4 पे क्या है, पिन नंबर 5 पे क्या है, तो इस तरीके से हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि आपको बुकलेट में प्रोवाइड किया जाएगा जब आपको दिया जाएगा मटेरियल, तो उसमें इस बोर्ड के साथ हर पॉइंट पे लिखा गया होता है कि किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, वो लिखा गया होता है। आप वहाँ से देख सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग करने के लिए अगर आप यूज करते हैं मल्टीमीटर को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीमीटर दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे ये मल्टीमीटर है आपके सामने, यहाँ पे हाफ पॉइंट दिया गया है, वोल्टेज का सिग्नल दिया गया इस साइड में, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ से एलईडी की टेस्टिंग करते हैं हम, यहाँ पे एलईडी की टेस्टिंग करते हैं। जो मैंने आपको बताया था बजर का पॉइंट, मेरे मल्टीमीटर में बजर का पॉइंट यहाँ पे है, आप यहाँ पे नॉच को ले आएंगे, जब दो पॉइंट कंटिन्यूअस होंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने बीप पे लगा रखा है इसको और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जैसे दो पॉइंट मैंने लिया और बीप किया, ये तुरंत एक बीप कर देगा जो आपको सुनाई दे रहा है। जैसे मैं इस बोर्ड पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, मैंने किसी भी दो पॉइंट को, जैसे मान ली मैंने आपको इसी को इंडिकेट किया था, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, दूसरा यहाँ पे लिया, आपको बीप की आवाज़ आ रही, जबकि इसके बगल में मैं अगर चेक करूँ तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये बीप नहीं लेगा। तो ये हमारी पहली टेस्टिंग होती है, जो हम पहला टेस्टिंग इस पे कर रहे होते हैं बोर्ड पे। नेक्स्ट स्टेज की हमारी जो टेस्टिंग होती है वो होती है पावर सप्लाई चेक करने के लिए। इसके बाद हम सप्लाई लगा के टेस्टिंग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में दिखाया था, सेम बोर्ड को मैंने दूसरी जगह पे यूज कर रहा हूँ, दूसरा बोर्ड इसका लिया हुआ है मैंने।
टेस्टिंग के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीमीटर के नॉच को मैंने वोल्टेज पे लगा रखा है, वही वोल्टेज के 20 वोल्ट पे डीसी पे मैंने सेट कर रखा है नॉच को, और देन हम चेक करेंगे। चूंकि मैंने 9 वोल्ट का ही बैटरी लगा रखा है यहाँ पे, तो मैं इसको चेक करने के लिए जैसे यहाँ पे लगाया और पिन नंबर 1 मेरा इनपुट है, मैंने चेक किया तो आपको वोल्टेज देख सके हूँ वहाँ पे, यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा होगा मल्टीमीटर की स्क्रीन पे 8.7 वोल्ट। हमने 7809 लगाया है, लेकिन हो क्या रहा है कि चूंकि मैं 9 वोल्ट का ही बैटरी लगाया, कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होता ही है, तो आउटपुट आपको 7 वोल्ट के आसपास मिलेगा, 7 वोल्ट से ज़्यादा मिला देन क्या है हमारा सही है। देखिए 7.26 वोल्ट आपको देख रहे हैं। पिन नंबर 5 मैंने यहाँ पे दे रखा था, वो था 5 वोल्ट एंड 3.61 वोल्ट आपको पिन नंबर 5 पे मिल रहा है। पिन नंबर 2 मेरा ग्राउंड था, 3 नंबर मेरा आउटपुट था, 0 था, यानी मेरे ये सारे पिन क्या कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। आप इन सारे पॉइंट को चेक कर सकते हैं, ये हमारा सारा पिन क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है। जो जो वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं मैंने दिखाया आपको, हमें पिन नंबर 3 आउटपुट चेक कर सकते थे। देन आप बाकी कंपोनेंट आप इसमें माउंट करिए और आप टेस्ट करेंगे तो ये आपका बिल्कुल सही परफेक्ट वर्क काम करेगा, जैसा आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा था सेम वैसा ही ये काम करेगा। सॉरी मैंने सप्लाई लगाया नहीं अभी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दोबारा एक बार चला के दिखाता हूँ आपको सर्किट को। हमने जैसे लगाया ये बंद हो गया, ठीक है, हमारा गेट, हमने गेट बंद कर दिया, हटाते ही अलार्म बज गया। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई।